आर अश्विन बोले, डे नाइट टेस्ट क्रिकेट के लिए होगी नई शुरुआत। भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन कहना है कि दिन रात्रि टेस्ट देश में इस पारंपरिक प्रारूप के लिए नई शुरुआत होगी। इससे मैच के समय के कारण दर्शकों की संख्या में काफी सुधार होगा। अश्विन ने कहा, उम्मीद करता हूं कि यह स्टेडियम में बड़ी संख्या में दर्शकों के आने की शुरुआत होगी। टेस्ट क्रिकेट को उसका श्रेय मिलेगा और बेशक समय में बदलाव के कारण लोग अपना काम खत्म करने के बाद मैच देखने आ सकते हैं और इसका लुत्फ उठा सकते हैं। वहीं मोहम्मद शमी का ध्यान पूरी तरह मैच के दौरान सामने आने वाली चुनौतियों पर है। उन्होंने कहा, गुलाबी गेंद से बीच का सत्र सबसे महत्वपूर्ण होगा क्योंकि तभी डन गार्डन पर अधिक स्विंग मिलेगी। इसके विपरीत आमतौर पर सुबह का समय टेस्ट क्रिकेट में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। गुलाबी गेंद तभी उपयोगी होती है जब विकेट कड़ा हो और उस पर घास मौजूदा हो। गुलाबी गेंद अलग तरह की गेंद है और यह बिल्कुल भी सफेद या लाल गेंद की तरह काम नहीं करती, इसलिए इसकी संभावना बेहद कम है कि अंतिम सत्र में स्विंग या रिवर्स स्विंग मिलेगी। हमें कड़ी मेहनत करनी होगी। यह टेस्ट दोपहर 1 बजे से शुरू होगा। लंच के बाद शाम 3:40 बजे मैच शुरू होने के समय ही फ्लड लाइट्स जला दी जाएगी। चाय के ब्रेक के बाद अंतिम सत्र शाम 6 से रात 8 बजे तक चलेगा। CAB ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि ईडन में गुलाबी गेंद से खेले जाने वाले पहले डे नाइट मैच के पहले 4 दिनों के दौरान रोजाना 50,000 से ज्यादा लोग मैदान में मौजूद रहेंगे।